फरमाया राहत की चाबी, राहत की चाबी, यही तो नहीं है? राहत की चीजें तो है, राहत ही नहीं ना। सुकून की चीजें तो बहुत है, सुकून ही नहीं है। राहत का सवाल तो बहुत है, राहत नहीं। आज फरमाना कि राहत की चाबी, फरमाया दुनिया को आदमी जिस कदर मुख्तसर रखे इसी कदर राहत है। जितनी मुख्तसर चीजों पे अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी करेगा इतनी राहत मिलेगी, और जिस कदर चीजें बढ़ाएगा राहत दूर होती चली जाएगी। कितनी बड़ी नुस्खा कीमिया है। फरमाया ये राहत की चाबी है। आप अपने को देने देंगे, पीछे पीछे देखें, 43 साल पीछे देखें, 15 साल पीछे देखें, 50 साल पीछे देखें, चीजें कम थी ना, बताओ राहत पहले ज्यादा थी अब? यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आदमी को समझ में ना आए। आज जो बूढ़े हो चुके हैं उनसे पूछे कि उनकी जिंदगी में ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन वो आज भी कहते हैं आराम बहुत था, सुकून बहुत था, राहत बहुत थी, आपस में मोहब्बतें बहुत थी। न घर बड़ा था, न घरों में फर्नीचर था, न कपड़े इतने थे, न गाड़ी सवारी ऐसी थी, न खाने की चीजों में इतना कसरत थी, राहत बहुत थी। फरमाया ये राहत की चाबी है। अपनी जिंदगी को जरूरियात तक रखो, ख्वाहिशात को जरूरियात का हिस्सा ना बनाओ, वरना फरिश्त खत्म ही नहीं होगी। अपनी जिंदगी को जरूरियात तक रखो, ख्वाहिशात को जरूरियात में दाखिल ना करो, वरना फरिश्त खत्म ही नहीं होगी जरूरियात की। अब तो ख्वाहिशात जरूरत बन रही ना, और उसके लिए कोई इंतहा ही नहीं, कोई इंतहा नहीं। फरमाया राहत की चाबी है, आदमी जिस कदर मुख्तसर दुनिया रखे इसी कदर राहत है।